चरखी दादरी के गांव भागवी में करीब 10 दिन पूर्व बैंक कर्मी को पीटकर हत्या करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तारी को लेकर क्षुब्ध पीड़ित परिवार व गांव बधवाना के ग्रामीणों ने शहर में विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा और हत्या केस में मात्र एक आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस पर जांच अधर में लटकाने का आरोप लगाया। उन्होंने सभी आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी न होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। गांव भागवी में 25 सितंबर की रात बधवाना में निवासी रामपाल की पेड़ से बांधकर निर्ममता से हत्या कर दी गई थी। मृतक रामपाल कस्बा झुंझुकला स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में क्लर्क के पद पर कार्यरत था। हत्या के विरोध में क्षुब्ध पीड़ित परिवार व गांव भदवाना के ग्रामीणों ने परशुराम चौक से होते हुए लघु सचिवालय तक विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी की। लघु सचिवालय पहुंचकर ग्रामीणों ने सिटी मजिस्ट्रेट मनीष फोगाट को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की है। ग्रामीणों ने कहा कि रामपाल की हत्या के मामले में कई लोगों के नाम सामने आने के बावजूद पुलिस ने अभी तक एक के अलावा किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। चरखी दादरी से प्रदीप साहू, आजाद टीवी न्यूज। ये रामपाल एसबीआई बैंक में सर्विस करता था और ये साजिश के तहत बुलाया गया था वहाँ, तो इसकी मतलब मर्डर हो गया वहाँ पे और डेड बॉडी घर में ही मिली गई है। ठीक है, उसके बाद में रामपाल को पुलिस प्रशासन जाके अपने आप उठा के लेके आया, किसी से इतला वगैरह नहीं दी इन्होंने कि आप डेड बॉडी लेके चलो। उसके बाद में यहाँ पे पोस्टमार्टम हुआ है और लेडीज़ के चोट थी वो रोहतक रेफर कर दी गई थी। कुमार बधवाना जी, गाँव का वासी हूँ। ये रामपाल जो बैंक कर्मचारी था, इसकी भागी गांव के लोगों ने निर्मम हत्या की गई है, उसके मामले में किसी को एक बंदे को गिरफ्तार किया है, आज तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। 8-10 दिन हो गए हैं, कम से कम प्रशासन ये तो इतला दे आग भाई तुम्हारा ये होगा, डेड बॉडी को उठाने से पहले हमने इतला देते, नहीं तो इतला दी डेड बॉडी को अपने आप उठा लिया है।